मुजफ्फरपुर साइबर थाना की टीम ने शातिर साइबर ठग मोहम्मद हुसैन उर्फ स्कैमर सहित 4 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से कई बैंक खाते के डिटेल, निजी अकाउंट डिटेल और कई अन्य कागजात बरामद किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि स्कैमर पूर्व में पंजाब और गुजरात में फ्रॉड मामले में जेल जा चुका है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर साइबर फ्रॉड गिरोह के सरगना मोहम्मद सैयद हुसैन उर्फ स्कैमर और उसके 3 साथियों को पकड़ा है। इनके पास से बैंक खातों की जानकारी, ठगी किए गए खाता धारकों की पासबुक और अन्य सामग्री बरामद की गई है। साइबर टीम को इस गिरोह के बारे में सूचना मिली थी कि वो अलग अलग तरीके से लोगों को निशाना बनाते थे। टीम ने जांच के दौरान पाया कि इस गिरोह ने अब तक 20 लाख से अधिक की ठगी की है। पुलिस अब इस गिरोह के बारे में अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क कर आगे की कार्रवाई कर रही है। सिटी SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि गिरोह के सदस्य खुद को अधिकारी बताकर लोगों को फोन पर झांसा देते थे और ठगी करते थे। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह बड़े पैमाने पर सक्रिय था और अलग अलग तरीकों से लोगों को टारगेट करता था। साइबर थाना मुजफ्फरपुर ज़िले के द्वारा लगातार प्रोएक्टिव तरीके से जितनी भी साइबर गैंग्स मुजफ्फरपुर में या फिर आसपास के एरिया में एक्टिव है, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। इसी क्रम में जो हम लोग का पोर्टल है, उस पोर्टल पे कई सारी कंप्लेंट्स हम लोगों को मिला था, जिसमें कुछ एक्यूज थे जो मुजफ्फरपुर ज़िले में रह करके और क्राइम कर रहे थे। तो उन लोगों पर हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे टाउन ये DSP साइबर की नेतृत्व में। तो उसी क्रम में फिर हम लोगों को एक लीड मिला था कि 4 लोग हैं, जिनमें से मेन जो था सैयद मोहम्मद हुसैन उर्फ मोहम्मद उर्फ स्कैमर, इसका नाम भी स्कैमर है। ये रहने वाला कमरा मोहल्ला का है, ये लीडर था और इसका काम था कि ये अपने साथ में लड़का लोगों को रखता था और लड़के लोगों को रख करके कॉल करवाते थे। ये लोग कॉल करवा करके वही सेम इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी रहता था कि पुलिस के नाम पर कि आपका बच्चे का किडनैपिंग हो गया है, फिर केस में फंस गया है, इस तरह से लोगों को डरा धमका करके उनसे पैसे लिया जाता था। और इनके द्वारा दूसरे राज्यों में भी इस तरह से लोगों से पैसा लिया गया था। तो हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है, 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। सभी लोग टाउन एरिया के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति मिठनपुरा का रहने वाला है, हर्ष कुमार। दूसरा व्यक्ति मोहम्मद कैफ, ये चंदवाड़ा नगर टाउन थाने का रहने वाला है। तीसरा व्यक्ति भी पुरानी गुदड़ी का रहने वाला है, सुमित कुमार। और चौथा व्यक्ति आर्यन कुमार, ये रामबाग मिठनपुरा का रहने वाला है। हम लोगों को इनके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं, एक बैग बरामद हुआ है, एक चेकबुक, 6 अलग अलग बैंक के अलग अलग खाता में जो पासबुक है वो बरामद हुए हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग खाते के साथ में जो अटैच्ड ATM कार्ड हम लोगों को बरामद हुए हैं, बैंकों का वेलकम किट बरामद हुआ है, आधार कार्ड बरामद हुआ है, मोबाइल का खाली डिब्बा बरामद हुआ है। तो इस तरह से ये गैंग काफ़ी टाइम से काम कर रही थी और दूसरे स्टेट में भी फ्रॉड का काम करती थी। हम लोगों ने इस पर काम किया और बाकी अभियुक्तों की भी हम लोग पहचान करके उसमें जल्दी गिरफ्तारी करते थे। गैंग ऑपरेट, ये लोग जो VOIP होता है उससे लोग कॉल करते थे या फिर नॉर्मल कॉल से कॉल करते थे। जैसा हम लोगों ने पहले भी कई सारे केसेस में उद्भेदन किया तो उसमें भी सेम मॉडस ऑपरेंडी सामने आए। कॉल करके लोग डराते थे कि आपके बच्चे अभी थाने पे है, इतना पैसा दोगे या फिर इतना पैसा दोगे तो केस मैनेज हो जाएगा या फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, आपकी किडनैपिंग हो गया तो इतना पैसा दोगे तो छोड़ दिया जाएगा, वही चीज़ बोल करके लोगों से अपने अकाउंट में पैसा मंगवाते थे और अलग अलग लेयर्स में फिर पैसा ट्रांसफ़र करते थे। कुछ अपराधी की तैयारी, आपराधिक इतिहास, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो नेशनल पोर्टल चलता है उस पोर्टल पे हम लोगों को बाकी स्टेट्स में भी इन लोगों के खिलाफ में कंप्लेंट आई है, तो हम लोग संबंधित राज्यों से बात कर रहे हैं, संबंधित पुलिस से हम लोग बात कर रहे हैं ताकि वहाँ से हमको इनपुट मिले और हम लोग उन लोगों को वो सारी FIR भी इसमें इंक्लूड करें। कितने रुपए का सर अब तक लेन देन हो चुका है? ये अभी हम लोग इनका अकाउंट नंबर देख रहे हैं तो इसके बाद में और